भारत सदियों से हस्तशिल्प उद्योग का केंद्र रहा है और प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत में कालीन बनाने की कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, जो फारसी कला से काफी प्रभावित थी। हाथ से बने कालीन आपके घर, दफ्तर या व्यावसायिक जगह के लिए एक फैशन स्टेटमेंट है। कारपेट यहाँ बनता है वो बहुत ही यूनिक किस्म का होता है, वन ऑफ इट्स काइंड है, और उसका होना जैसे आपको बताया जा रहा है कि बहुत पुराना है, 250-300 साल पुराना है। और बट दिक्कतें भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी हैं इस कारपेट इंडस्ट्री के साथ। अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये और कहीं मिलता नहीं है। परंपरागत रूप से कालीन ऊन से बने होते थे, आधुनिक समय के सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और दूसरे तरह के धागे आने के साथ ही बुनाई मशीन से की जाने लगी। ये सिंथेटिक फाइबर ऊन की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। इन सब ने कालीन उद्योग में क्रांति ला दी है। यहां भारतीय कालीन कारखानों और निर्माताओं द्वारा बनाए गए कालीनों का जिक्र करना जरूरी है, जो अपने अलग डिजाइन, तकनीक, सुंदरता, गुणवत्ता और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में भी हस्तशिल्प की वैश्विक अपील थी और इसकी वजह से भारी राजस्व मिला, जिससे कारीगरों को आर्थिक रूप से मदद मिली। ये 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का मुख्य जरिया है। दरी का काम मिर्जापुर में 40-50 वर्षों से हो रहा है। इसमें करीब मिर्जापुर के जितने निवासी हैं सब 75% करीब इसमें लगे हुए हैं। दरी और गलीचा का ही काम यहाँ है। 25-30 साल से काम कर रहे हैं दरी का। ऐसी काम से जो भी मिलता है, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, घर का खर्चा चलता है। भारतीय कालीन तरह तरह के बने होते हैं, जैसे सिंथेटिक कालीन, शुद्ध रेशम कालीन, गेब ऊनी कालीन, गुच्छेदार ऊनी कालीन, हाथ से बनी ऊनी दरी, हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन। कालीन बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे हुकिंग, शेयरिंग और टफ्टिंग, लेकिन सबसे आम तरीके हैं ब्रीडिंग और हैंड नॉटिंग। हाथ से बुने हुए भारतीय कालीन विशेष रूप से डिजाइन किए गए करघों पर बनाए जाते हैं, और क्योंकि ये हाथों से बनाए जाते हैं तो इन्हें बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, और परंपरागत रूप से मशीनों द्वारा बनाए गए कालीनों की तुलना में ये ज्यादा महंगे भी होते हैं। कालीनों के डिजाइन को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वक्रतापूर्ण, ज्यामितीय और चित्रात्मक पैटर्न। पैटर्न, आकार और शैली कालीन की पहचान करती है, और इसे अंतिम रूप देने के लिए अच्छे शोध की जरूरत होती है। पानीपत में मोस्टली हैंड टफ्टेड कारपेट ही बनाया जाता है और यही एक्सपोर्ट होता है। इसमें दोनों वैरायटी होती हैं, वूलन में भी और विस्कोस में भी। 5,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है जो पानीपत से एक्सपोर्ट होता है, जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। इसकी शुरुआत विशेष ऊन की खरीद से होती है। ऊन में अक्सर धूल, मिट्टी होती है, जिसे अच्छी तरह से धोकर हटा दिया जाता है और फिर 2-3 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है। एक बार ऊन की सफाई हो जाने के बाद कताई शुरू की जाती है। इसके 2 चरण होते हैं, कार्डिंग और स्पिनिंग। कार्डिंग ब्रश की मदद से या हाथ से चलने वाले कार्डिंग रोलर से की जाती है। इसके बाद ऊन को चरखे की मदद से सूत में काटा जाता है। ऊन की मोटाई कालीन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऊन को रंगने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। कुछ लोग अभी भी बर्तन रंगने वाले रंगों और सब्जी से मिलने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ऊन को रंगने के बाद बड़े और ढीले ऊन के गुच्छों को खोलकर इसे कसकर छोटे गुच्छों में लपेटा जाता है। कालीन का जो कारोबार सदियों से चली आ रही है, अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। बस यही है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली जा रही है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि किस तरीके का कालीन कस्टमर को दिया जा सके, एक अपनी अलग पहचान बनाई जा सके। फिर से ऊन तैयार होने के बाद कालीन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले करघे में गलीचे को फ्रेम पर लंबा रखा जाता है
और बुनकर विशेष रूप से डिजाइन की गई अलग अलग तरह की गांठें बनाना शुरू करते हैं। रंग बिरंगे धागों के इस मेल से बुनकर की ये कारीगरी आंखों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक बार जब बुनाई पूरी हो जाती है तो कालीन को साफ करने के लिए और कालीन पर से धूल और गंदगी या किसी भी दाग को हटाने के लिए पहले धुलाई की जाती है। इसके बाद बुने हुए कालीन की ऊपरी सतह को बराबर करने के लिए ऊन की छंटाई की जाती है। इसे शेयरिंग कहते हैं। इसके बाद एम्बॉसिंग होती है, यानी कारपेट के सारे किनारों को बराबर किया जाता है। कालीन के किनारे एक अलग धागे से बंधे होते हैं जिससे मजबूती मिलती है। इसके बाद सीनिंग का महत्वपूर्ण काम आता है। इसका मतलब है कालीन के पिछले भाग पर उभरे हुए रेशों को जलाना। ये कालीन को एक तेज और साफ सुथरी फिनिश देता है। साफ और चमकदार दिखने के लिए कालीन को फिर से धोया जाता है। परंपरागत रूप से अंतिम धुलाई के बाद कालीन को धूप में सुखाया जाता है, लेकिन कई बार ये काम मशीनों द्वारा भी किया जाता है। ये मशीन तापमान और नमी को नियंत्रित करती हैं, जिससे कालीन जल्दी सूख जाता है। इसके बाद कालीन को खींच कर रखा जाता है जिससे कि वो घुमावदार ना हो। आखिर में एक बार फिर छंटाई की जाती है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद कारीगर द्वारा बनाई उसकी अद्भुत कारीगरी एक आकर्षक कालीन के रूप में तैयार होती है। हम लोगों के घर में लूम लगा रहता था, कच्चे मकाने थी उस समय, तो उसी में इम्प्रूवमेंट हुआ। कुछ बाहर से लोग आए, जर्मनी या फ्रांस अमेरिका से कुछ ऑर्डर मिलना चालू हुआ, उसी से आगे आदमी बढ़ता गया कारपेट के लाइन में। बदवई की यही कहानी है जो है, कारपेट हर घर में, कारपेट और हर घर में जो है औरतें भी काम किया करती हैं। आजकल भारत में अलग अलग जगहों पर कालीन बनाए जाते हैं। भारत के उत्तरी भाग में यानी कश्मीर, जयपुर, आगरा और भदोही में कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। बुनाई, रंग और कालीन परिष्करण तकनीक और स्वदेशी आदिवासी डिजाइन की वजह से ये बेहतरीन कालीनों में से एक माना जाता है। हाथों से बने कालीनों में दस्तकारी कालीन भदोही और कश्मीर में बनाए जाते हैं। मनमोहक सुंदरता और रेशमी कालीनों की अद्भुत चमक आंखों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव डालती है। कश्मीर और भदोही के चमकदार चमचमाते रेशमी कालीनों पर हाथ से बुने रचनात्मक डिजाइन, अद्वितीय रंग संयोजन और शानदार रंग के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। कश्मीरी कालीन विश्व स्तर पर पीढ़ियों से लाखों घरों की बेशकीमती संपत्ति बन गए हैं। यहाँ पर हम कश्मीर में 600 साल से कारपेट बनाते आए हैं और ये आर्ट फैमिली से, बाप से बेटे को आगे आगे चलता आया है। 40 साल पहले, 35 साल पहले माँ बाप शौक से इस काम पे बच्चे को डालते, अगर वो पढ़ाई भी करते लेकिन शाम को मतलब कुछ टाइम इस काम में भी वो ध्यान देते, मतलब ये भी सीखते। दरी और चटाई पीढ़ियों से भारत में घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं। दरी फ्लैट बुने हुए हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है। इस लचीलेपन ने धीरे धीरे दरी को घर की साज सज्जा में एक ट्रेंड सेटर बना दिया है। जीवंत रंग, आधुनिक डिजाइन, विभिन्न प्रकार के कपड़े, लोगों की पसंद के अनुसार तैयार किए गए दरी को एक उल्लेखनीय स्थिति में ला दिया है। भदोही कालीन, कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट, मिर्जापुर, आगरा, नावलगुंड और वारंगल दरी, गाजीपुर वॉल हैंगिंग को अधिकृत GI उत्पाद टैग से सम्मानित किया गया है। तरह तरह के सिंथेटिक फाइबर से बने कालीन भी मिलते हैं। कम खर्चीले फाइबर के इस्तेमाल के कारण ये कालीन और दरी सस्ते होते हैं और इसने उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार तैयार किया है। इसी खूबसूरत दस्तकारी को और बेहतर करने के लिए भदोही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जिससे बच्चों को इस कला में और बेहतर तथा नई नई तकनीकों से अवगत कराया जा सके, ताकि कालीन के क्षेत्र में भारत की इस बढ़ती लोकप्रियता को एक नया आयाम मिले और साथ ही साथ कालीन उद्योग में भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरे।